हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रभात पोद्दार और स्वागत है आपका हमारे सस्ते सुंदर टिकाऊ चैनल नॉट अ लॉन्ग स्टोरी में। और जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है लर्निंग, धंधे में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और हमको अच्छा अच्छा निकालने की हमेशा कोशिशें करते रहना है। तो जियो सिनेमा आने वाले वक्त का शायद ये सबसे इम्पॉर्टेंट OTT चैनल बन सकता है, OTT प्लेटफॉर्म बन सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले जियो सिनेमा ने कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप को फ्री में टेलीकास्ट किया था। 450 करोड़ की उनकी ये डील थी, यानी 450 करोड़ में उन्होंने स्ट्रीमिंग राइट्स लिए थे, लेकिन अपने कस्टमर्स उन्होंने पैसा नहीं मांगा। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन अब हमारा हरदिल अजीज IPL होने वाला है। IPL के लिए जो राइट्स हैं, अभी तक आप जैसे जानते हैं डिज्नी हॉटस्टार के पास हैं, जो स्टार स्पोर्ट्स पे उसको टेलीकास्ट करता है टेलीविजन पर। लेकिन डिजिटल राइट्स इस बार 2023-27 के लिए ले लिए हैं जियो सिनेमा ने। इन्होंने वायाकॉम 18 के थ्रू लिए हैं। वायाकॉम 18 इन्हीं की कंपनी है। 23,500 करोड़ के ऊपर की ये डील है। अभी भी इनके पास भी राइट्स हैं, हॉटस्टार के पास भी 23,500 उन्होंने भी दिए हैं, ये अपना स्टार स्पोर्ट्स पे दिखाएंगे। लेकिन अगेन बात वो है कि स्टार स्पोर्ट्स पे जो दिखाया जाएगा उसके लिए आपको डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जियो सिनेमा अगेन 2023-27 तक प्रोबेबली आपको IPL फ्री में दिखाएगा। यानी फीफा में भी 450 करोड़ डाले, यहाँ पे भी डाले, हो सकता है आगे चल के भी डालें। तो प्रश्न आता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इतना पैसा लगा के रिलायंस ये सब फ्री में क्यों दिखा रहा है। देखिए, रिलायंस की ये पुरानी रणनीति रही है। आप जानते होंगे जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था 4G नेटवर्क, तो उन्होंने ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी खेली थी, यानी नए प्रकार से धंधा करना चालू किया था। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सब बाजू हो गए थे। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले कई साल पहले जब रिलायंस इंडिया मोबाइल आया था, रिम, अगर कोई किसी को याद हो तो, 501 रुपये में मोबाइल विथ सिम उन्होंने लॉन्च किया था। जब मोबाइल 20-25 हज़ार रुपये के मोबाइल आते थे, 501 में न केवल मोबाइल कनेक्शन। तो रिलायंस तो हमेशा जो काम करता है अतिशोक्ति अलंकार में करता है। अब देखिए, अभी तक जियो सिनेमा के 400 मिलियन डाउनलोड्स हैं लाइफ लॉन्ग, ऐसा वहां के मैनेजमेंट का कहना है। और ये भारत में करीबन 700 मिलियन यूजर हैं। तो कहीं ना कहीं ये नंबर ऑफ डाउनलोड्स बढ़वाना चाह रहे हैं। ये उनके पीछे एक इनका बड़ा वजह है कि ताकि इनका धंधा वहां से बढ़ेगा। सर, लेकिन ये कमाएंगे कैसे? तो जाहिर सी बात है, डायरेक्टली कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह से तो कमाई आएगी। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां शायद हमारा ध्यान नहीं जा रहा, वो है डेटा यूसेज। भैया, जियो सिनेमा अब हो सकता है दूसरे नेटवर्क्स पे भी अवेलेबल हो, एयरटेल वगैरह पे भी मिलता हो, तो मुझे आइडिया नहीं है। मेरा जियो है तो मुझे आइडिया नहीं है इसका। अगर आज आपने जियो सिनेमा को यूज करना चालू किया, उस पर आपने टेलीविजन, आपने वो IPL देखना चालू किया, तो आपका डेटा यूज तो होगा। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डेटा रिप्लेनिश कराएंगे। एक एवरेज निकाला गया था, जब एक आदमी एक पूरा IPL का मैच देखता है तो 0.7 GB, अगर वो 480p पे देखे तो, यूज होता है। अगर वो 720p पे देखे तो 1 GB पूरा यूज जाएगा एक IPL के मैच में। यानी डेटा यूसेज तो उसका बढ़ जाएगा। यानी कई ऐसे लोग होंगे जो डेटा को रिप्लेनिश करवाएंगे, उसके एडिशनल पैकेजेस लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमाई का सोर्स है। चलो, ये भी नहीं किया यार, सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे ना। जो भी जियो के सब्सक्राइबर हैं, वो क्या अपने मतलब ज़्यादा लोग इसके सब्सक्रिप्शन में नहीं आएंगे? तो ये लॉन्ग रेंज का गेम है। अच्छा, एक एडिशनल चीज़ ये भी है कि कैलकुलेशन किया गया कि अगर आप टेलीविजन पे IPL देखते हैं तो जो जो आपके पूरे खर्चे होंगे, और उसके सामने आप डिजिटल पे देखते हैं तो कितना खर्चा होगा, तो ऐसा माना जा रहा है 1/3 होगा। अब ये डेटा कितना रिलायबल है हम नहीं कह सकते। एक एडिशनल चीज़ है, मल्टी कैमराज आपको अलाउ है। यानी अगर आप इस मैच को आप अपने OTT पे देखेंगे, जियो सिनेमा पे, तो वो आपको अलग अलग एंगल से ही सारे मैचेस देखने की इजाज़त देगा। जैसा कि शायद उन्होंने कतर में भी जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें भी दिया था। तो ये ब्रांड स्ट्रेटजीज हैं, ये बिजनेस के तड़के हैं जिन पे हम काफ़ी इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसीलिए इस पर हमने वीडियो बनाया कि भाई इसके पीछे सोच क्या है। आने वाले टाइम में ये पहले कस्टमर अपने एक्वायर कर लें,
ऐसा माना जा रहा है कि फ्री में जियो सिनेमा अगर ये दिखाएगा, अगर क्या दिखाई रहा है, तो 30-40% सब्सक्रिप्शन हॉटस्टार का कम हो सकता है। यानी हॉटस्टार वाले को भी कोई ना कोई ब्रांडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी ताकि वो अपना मार्केट शेयर लूज ना करे। तो हो सकता है क्रिकेट की जगह वहां पे उनको फिल्म्स और वेब सीरीज, उनको ज्यादा अपना कंटेंट वहां पे लाइब्रेरी शायद इंप्रूव करनी पड़ेगी। खैर, तो हम कोशिश करेंगे बिजनेस से रिलेटेड या ऐसे और इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको हम वीडियो बनाते रहे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।